दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हमारे चैनल पे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम उस फोन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज आपको लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। लॉन्च तो पहले ही हो चुका था, जिसकी सेल आज इंडिया में लाइव हो जाएगी, वो है OnePlus का Note 2T। आप लोगों को इसकी सेल आज दिख गई होगी OnePlus Note 2T की, तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे इस फोन के बारे में। क्या इस फोन में अच्छा है, क्या बुरा है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कौन कौन से फीचर ज्यादा अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, तो ये सारी बातें करने वाले हैं हम इस फोन के बारे में। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो पाए इस फोन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अभिनव सक्सेना एंड आई वेलकम यू ऑल एट माय चैनल ऑल इन वन अभिनव। तो दोस्तों, हम जिस फोन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है OnePlus का Note 2T। दोस्तों, काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे थे इस फोन के कि ये फोन आपको बहुत ही जल्दी लॉन्च होता हुआ दिखेगा, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर इसकी जो सेल है वो लाइव हो चुकी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद हमें पहले लग रही थी, और नो डाउट लॉन्च के बाद भी हमें काफी ज्यादा चीजें अच्छी लगी है इस फोन में। तो काफी कुछ चीजें इस फोन की अच्छी है, काफी बुरी है, वो सारी बातें करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 3 GHz की क्लॉक स्पीड के साथ में आएगा दोस्तों, और यहाँ पे मिनिमम 8 GB रैम वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि यार, मेरे को अभी तक जितना पता लगा है तो ये जो स्टोरेज है ये नॉन एक्सपेंडेबल है। अगर आप ड्यूअल सिम लगाते हैं तो फिर आप एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि इस फोन में आप एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, तो उस हिसाब से आप सोच समझ के इस फोन को लीजिएगा। वहीं पर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.43 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 98 रिफ्रेश रेट के साथ में आएगी दोस्तों। तो यार, परफॉर्मेंस के मामले में तो फोन काफी ज्यादा अच्छा है, बट डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा आप यहाँ पे हो सकता है इस फोन से थोड़े से ज्यादा मतलब खुश ना हो। वहीं पे गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले में। वहीं पे कैमरा के बारे में अगर बात करें तो कैमरा में आपको यार ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, जिसमें जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 MP का है, फॉलोड बाय 8 MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 MP मोनो, तो और ड्यूअल LED फ्लैश बैक साइड पे आपको देखने को मिलेगा। तो यार, ट्रिपल रियर कैमरा काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है, और नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। यहाँ पे प्राइमरी कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है। वहीं पे फ्रंट साइड पे आपको एक 32 MP का कैमरा देखने को मिलेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, जो आपका सेल्फी कैमरा है वो 32 MP का होगा। तो यार, आप लोगों को एक बात तो क्लियर कर दूं कि यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा दोनों ही साइड से, मतलब रियर साइड से भी और फ्रंट साइड से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। वहीं पे बैटरी के बारे में बात करें तो 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि एक सुपर वोक फास्ट चार्जर के साथ में आएगी। 80W का चार्जर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो सिम स्लॉट है वो ड्यूअल सिम स्लॉट है, तो 2 नैनो सिम आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ़ोन अभी तक दिखाई दे रहा है यार, मतलब अगर आप चाहें तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। तो यहाँ पे यार, अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ प्रोज और कॉन्स के बारे में इस फ़ोन के, कि आप इस फ़ोन को क्यों ले सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप उसके साथ में जा सकते हैं। नो डाउट कैमरा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, और 80W का फास्ट चार्जर है, स्पीकर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बट यार, सबसे बड़ी दिक्कत जो आने वाली है वो इसके मोनो कैमरा की आने वाली है। मोनो सेंसर जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, और यार ये प्रोसेसर जो है ना मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1300, नो डाउट प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट मल्टीपल लोडिंग में हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लैग कर जाए। तो यार, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यही कमेंट किया है कि मल्टीपल लोडिंग में ये प्रोसेसर लैग कर रहा है। तो यार, अगर आप लेके आओ तो ज़रूर चेक करके बताना मल्टीपल लोडिंग में ये प्रोसेसर लैग करता है या नहीं। बट मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि यार, देख लो, फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप इसके साथ में जा सकते हो। वहीं पे प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो ये आपको अभी एक एक्सपेक्टेड जो है 8 GB रैम 128 GB वाला वेरिएंट आपको 29,000 रुपये में देखने को मिलेगा। वहीं 12 GB रैम 256 GB वाला स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वो आपको अराउंड 34,000 रुपये के आसपास में देखने को मिलेगा। बट यहीं पर बेस्ट आपको 1500 का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप 27,000 के आसपास में इस फोन को ले पाएंगे। दोस्तों, यही कंप्लीट डिटेल में बात थी इस OnePlus Note 2T के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।